चलते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता पूर्वक हत्या के मामले में आज आईएमए के आह्वान पर अंबाला के डॉक्टरों ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके हड़ताल कर दी। डॉक्टरों ने एक दिन की हड़ताल की घोषणा करते हुए मामले में ठोस कार्यवाही की मांग की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। अपनी इन मांगों को लेकर आज डॉक्टरों ने एकत्रित होकर एक मीटिंग की। इस दौरान मांग करते हुए आईएमए अंबाला प्रधान डॉक्टर सारवाल ने बताया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की हुई निर्मम हत्या से सभी डॉक्टर में रोष है। रोष के चलते आज अंबाला में सभी प्राइवेट अस्पतालों ने 24 घंटे के लिए बंद किए हैं और डॉक्टर से मांग करते हैं कि कहा कि नाइट ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों की कोई भी सुरक्षा नहीं है, डॉक्टर्स की सुरक्षा को देखते हुए कैमरा इंस्टॉल करवाया जाए। वहीं दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। अंबाला से निखिल शोभते की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते कलकत्ता में जूनियर लेडी डॉक्टर की बहुत निर्मम हत्या हुई है और गैंगरेप के बाद उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आईएमए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, अंबाला शहर, अंबाला कैंट सभी जगह सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सुबह 6 बजे से लेकर शाम अगले सुबह 6 बजे तक बंद है। कोई ओपीडी सर्विसेज नहीं दी जाएगी, सारे हॉस्पिटल बंद है। एमरजेंसी सर्विस हो, जैसे पेशेंट कोई बहुत ज्यादा डायर एमरजेंसी है उसको अटेंड किया जाएगा। कैंडल मार्च शाम को यहाँ अंबाला कैंट में इंदिरा चौक से ज्वाइन करेंगे, और भी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है। और ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम आगे डिमांड करते हैं भी गवर्नमेंट को एक सेंट्रल एक्ट बनाना चाहिए जो कि जूनियर डॉक्टर स्पेशली लेडी डॉक्टर्स जो कि 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जो कि बैकबोन है इस एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की, इसके बिना कोई पेशेंट्स अटेंड नहीं होंगे रात को। और इसके प्रोटेक्शन के लिए देयर शुड बी सम लॉ सो दैट जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी सी सजा मिल सके और आगे को कोई ऐसा हौसला ना कर सके। ये एक बहुत ही घोर निंदा करने वाली घटना हुई है।